और इस वक्त की बड़ी खबर, क्या तीसरा विश्व युद्ध करवाना चाहता है उत्तर कोरिया का ये सनकी तानाशाह। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर जापान की तरफ मिसाइल दागी है, जिसको जापान ने उकसावे वाला कदम बताया है। और उस सब के बाद सवाल ये बना हुआ है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध करवाना चाहता है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने एक मिसाइल दागी है जापान की तरफ, जिसको जापान ने बताया है उकसावे वाला कदम। और इस सब के बाद यूनाइटेड नेशंस की आज एक आपात बैठक भी बुलाई गई है, रात 12 बजे ये बैठक होगी। उत्तर कोरिया ने जापान पर मिसाइल दागी है, रात 12 बजे सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई है। अब उत्तर कोरिया से और कोई बात नहीं की जाएगी। उत्तर कोरिया ने जापान पर मिसाइल दागी है, जिसके बाद से सवाल ये उठ रहा है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध चाहता है उत्तर कोरिया का सनकी तानाशाह। क्या है इस मामले से जुड़ी बड़ी बातें, बता रही है मेरी सहयोगी ज्योति। जी अमांद्रा, अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बावजूद उत्तर कोरिया ने जापान के ऊपर से प्रशांत महासागर में ये बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। अपने दर्शकों को सबसे पहले बड़ी बातें बता देते हैं, उत्तर कोरिया ने एक और मिसाइल दागी है अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद। यूएन की तरफ से कड़े प्रतिबंध अभी हाल ही में लगाए थे, अब तक के सबसे ज्यादा कड़े प्रतिबंध जिसे कहा जा रहा है। जापान के ऊपर से ये मिसाइल दागी गई है, जिससे जापान बेहद खफा है, नाराज है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कहा कि ये उकसाने वाली कार्रवाई है जो की गई है उत्तर कोरिया की तरफ से, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ये बेहद ही खतरनाक है। यूएन ने सुरक्षा परिषद की अहम बैठक बुलाई है और इस बैठक में चर्चा होगी कि अब क्या किया जाए। चूंकि सारी सीमाएं लांघता हुआ उत्तर कोरिया लगातार दिखाई दे रहा है, अभी यूएन की तरफ से ही सबसे सख्त कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे, उसके बावजूद इस तरह की हरकत को अंजाम दिया उत्तर कोरिया ने। भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12 बजे यूनाइटेड नेशन में यह बैठक सुरक्षा परिषद की शुरू होगी, जिस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी कि अब उत्तर कोरिया को रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाने की बहुत कोशिश हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर कोरिया रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब लगातार उत्तर कोरिया की तरफ से यह भी कहा गया, जो अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ उससे भी उत्तर कोरिया बेहद नाराज था, और जो यूएन की तरफ से कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे उससे भी नाराज था। किसी तरह का कोई दबाव काम नहीं आ रहा। अमांद्रा, ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।